माँ, हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। और आप क्या प्रार्थना करते हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं माँ। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेम पत्र को किसी और को नहीं पढ़वा सकते, क्योंकि वो उनकी निजी भावनाएं होती हैं, बहुत निजी भावनाएं। ऐसे ही भक्ति के इस पथ में जीव और ईश्वर के बीच बहुत निकटतम और बहुत दूरी का नाता है, इतनी दूरी कि शायद मैं उसे कभी पाट न सकूं, और इतनी निकटता कि शायद पूरे ब्रह्मांड में उनके अतिरिक्त इतना निकट कोई और है ही नहीं। ये जीव और ईश्वर का नाता है, ये भक्त और भगवान का नाता है। तो जब भक्त भगवान के निकट अपने आप को अनुभव करता है तो वो ध्यान होता है, और जब भक्त भगवान से थोड़ी दूरी अनुभव करता है तो वो प्रार्थना बन जाती है, वो पुकार करता है कि तू तो मेरा प्यारा है, तू मेरा अंतरंग है, फिर मुझसे दूर क्यों? फिर ये वियोग क्यों? और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। फिर वो उसे प्यारा भी कहता है, फिर वो उसे प्रेयसी भी कहता है, फिर वो उसे पिता भी कहता है, माँ भी कहता है। भगवान पूछते हैं, आखिर तुझे मुझे मानता क्या है? तो वो कहता है, ये तो मुझे पता नहीं, पर शायद तुझ में मैं हूं और मुझ में तू है। इसीलिए कभी भक्त भगवान हो जाते हैं और कभी भगवान भक्त हो जाते हैं। कितनी ही बार भक्त भगवान हो जाते हैं और भगवान भक्त हो जाते हैं। फिर भक्त की आंखों से आंसू बहते हैं, दुनिया को वो आंसू दिखते हैं, लेकिन वो आंसू नहीं है, वो आरती की थाल है, वो अर्चन की, वो पूजन की थाल है। कभी खुशी में बरसता है और कभी वियोग में बरसता है। जब वियोग में बरसता है तो पुकार बन जाता है, और जब प्रसन्नता में बरसता है तो ध्यान बन जाता है। न पूछो कि उसने मुझे क्या दिया, न पूछो उसने मुझे क्या दिया, शायद उसने मुझे खुद में मिला लिया, शायद उसने मुझे खुद में मिला लिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि उसने मुझे खुद में मिला लिया, देखो मुझे वो मुझ में आकर मिल गया, देखो मुझे वो मुझ में आकर मिल गया। कुछ ऐसी ही कहानी है, न जाने मीरा श्याम में समा गई या श्याम मीरा में समा गए। कौन जाने कौन प्रेमी अपने प्रियतम को क्या लिखे। अरे उद्धव, तू ही लिख दे, तू ही पढ़ दे, कन्हैया ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे कान्हा ने इस प्रेम पत्र में हमारे लिए क्या लिखा है। उद्धव पढ़ता क्यों नहीं, इसमें क्या लिखा है? अरे सुना दे भैया, इस पत्र में क्या लिखा है? तू तो बड़ा पढ़ा लिखा है, क्यों नहीं सुनाता, इस पत्र में क्या लिखा है? हमारे गोविंद ने कुछ तो कहा होगा ना। और उद्धव कहता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, पर मुझ जैसे लाख पढ़े लिखे खड़े हों तो भी इस पत्र को नहीं पढ़ सकते। इस पत्र को तो कोई आप जैसा ही पढ़ सकता है।
और ग्वाल बालों ने उस पत्र को पढ़ लिया। उस पत्र को पढ़कर घंटों तक रोते रहे, न जाने कितने घंटों तक रोते रहे। क्या लिखा है? उद्धव कहते हैं, मुझे भी बता दो, मुझे भी सिखा दो, ये पढ़ाई मैंने सीखी ही नहीं। तो गोपी कहती हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम तीए, श्याम बीनु नाही जिए, आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सुख दाम है। ऊधो तुम भये बौरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव, इस पत्र को पढ़ने के लिए दो ही पात्रता है, या तो तू कृष्ण हो जा या तो तू गोपी हो जा। अगर तू उद्धव ही रहा तो तू इस पत्र को कभी नहीं पढ़ पाएगा। दो ही उपाय हैं, या तो उद्धव से कृष्ण हो जा या उद्धव से गोपी हो जा, तो तू इस पत्र को पढ़ सकता है अथवा तो नहीं। आप जानना चाहते हो मैं क्या प्रार्थना करती हूँ? या तो तुम मैं हो जाओ या तो तुम हो जाओ, तो निश्चित ही तुम उस प्रार्थना के रहस्य को समझ पाओगे। साधु।